Assalamualaikum students, I am Ms. Humaira Khan. Today we are continue our chapter number 3, Kinematics of Linear Motion. And our today's topic is Equations of Motion. First equation of motion. जैसे कि previously topics में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हमारे पास physical quantities मौजूद होती हैं, जैसे कि speed है, acceleration है. तो जब speed और acceleration, डिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटीज मिलती हैं तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन उस सूरत में आती है जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रही होती है, तो उस बॉडी में मौजूद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए हम सपोज करेंगे, let a body starts its motion with initial velocity v i, after some time t its final velocity become v f, so according to acceleration. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम किसी भी body की movement suppose करते हैं, तो यहाँ पर हमने suppose किया है कि एक body जो है वो initial velocity v i से move करना शुरू करती है और कुछ time t के बाद उसकी final velocity v f हो जाती है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉडी में इस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं प्रीवियसली लेक्चर में डिफाइन कर चुकी हूँ. तो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मौजूद है. आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमने एक सैम्पल यूज किया है, इसे हम कहते हैं डेल्टा. डेल्टा इंडिकेट्स चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी को लेने के लिए हमने इस डेल्टा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी है वी एफ माइनस वी आई. आप देख सकते हैं अब ये जो हमारे पास है ये पूरा हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मौजूद है. ये जो टी है ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टी जो है वो नीचे आकर ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई. अब ये हमारी नेगेटिव इक्वेशन है, इसीलिए हम अपनी इक्वेशन को पॉजिटिव करने के लिए वी आई को इज इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास जो रिलेशन आ रहा था वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रिलेशन आ रहा था. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मौजूद है, लेट अ बॉडी स्टार्ट्स विद इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी एफ. वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बॉडी मूव कर रही है और मूविंग के दौरान उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, कुछ टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है और बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी ली है वो एवरेज ली है. कॉमन सी बात है, जब बॉडी मूव कर रही है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और मूविंग में वो टाइम भी लगा रही है तो वो कुछ फासला तय करेगी. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम उसी डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर आप देखें हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है. एवरेज वेलोसिटी यानी वी ए वी, यहाँ पर ए वी जो है वो एवरेज को इंडिकेट कर रहा है और इसका फॉर्मूला मौजूद है वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2, जबकि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला मौजूद है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी. तो ये वाला जो वी है ये वी हमने वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल किया है और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो एवरेज है, तो हमने इस वी की जगह पर एवरेज वेलोसिटी की ये जो वैल्यू मौजूद है ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी. तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी. अब आप यहां पर एक चीज देखें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वी एफ की जो वैल्यू ड्राइव की थी वो हमारे पास आई थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो हमने इस वाले वी एफ को रिमूव करके उसकी जगह पर नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू वी आई प्लस ए टी यहां पर पुट कर दी. बाकी ये देखिए ये वाला जो वी आई है वो एज इट इज ऐसे ही उतरा है
और ये वाला जो वी एफ है इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू वी आई प्लस एटी पुट कर दी। डिविजन में हमारे पास 2 है, जबकि ये वाला जो टी है ये इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अब क्योंकि ये वी आई और ये वी आई दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने इनको ऐड कर दिया और इसका सम आया है हमारे पास 2 VI प्लस एटी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि अपनी इस इक्वेशन को ओपन कर दिया। अब आप देखें जो हमने इसको ओपन किया है तो हमने ये वाला जो 2 है ये इसके साथ यानी वी आई के साथ भी लगा दिया डिविजन में और ए टी के साथ भी लगा दिया। और यहां पर हमने इस वाले टी को इस वी आई और ए टी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 और ये ए वाला ए के साथ जो टी है ये इस टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। नाउ लास्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी में भी वही फॉर्मूला है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है और जब वो मूव करना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई होती है, कुछ टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो इस ड्यूरेशन में जो वो डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस एस है। अब आप यहां भी देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसी वजह से हम यहाँ पे वेलोसिटी जो ले रहे हैं वो एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं। हमें ये भी मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2, तो हमने अपनी इस इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, टी एज इट इज आ गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं कि वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के। इसी इक्वेशन से हम टी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ आके डिवाइड करेगा और वी आई यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वेशन के इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, वी की जगह पर उसकी वैल्यू ही पुट कर दी जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है और उसके बाद ये वाला जो टी है इस टी को रिमूव करके हमने इसकी वैल्यू ये वाली जो है ये यहाँ पर पुट कर दी। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिमिलर साइन देखेंगे, वी एफ पॉजिटिव है यहां पर भी वी एफ पॉजिटिव है, तो आप यहां पर देखें वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ तो हमारे पास आएगा वी एफ स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस और वी आई और वी आई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा वी आई स्क्वायर, जबकि 2 और a आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवीजन में 2a आ जाएगा। 2a यहां पर डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको इज इक्वल के इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये s के साथ मल्टीप्लाई करेगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स।